जेरियाट्रिक का मतलब अब शायद पहले से ज़्यादा समझ में लोगों को आता है। ये उस ब्रांच से डील करता है जहाँ पे मोटे लोगों का ऑपरेशन करके उनका वेट लॉस कराया जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी की शुरुआत मैंने 2007 में की थी और सिनेरियो में बहुत फ़र्क है 2007 और 2023, 15 साल का फ़र्क है। 15 साल में सोच का फ़र्क है, पहले लोगों की सोच और अभी लोगों की सोच इसके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए बहुत अलग है। पहले लोग भरोसा नहीं करते थे, अब पहले से ज़्यादा करते हैं। पहले सरकार ये ओबेसिटी एक रोग है उसको मानने को तैयार नहीं थी, अब मानती है। पहले मेडिक्लेम में ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी के रूप से देखा जाता था, अब नहीं देखा जाता, अब मेडिक्लेम इसके लिए पैसे देती है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं कि पूरा का पूरी सोच में एक बदलाव आया। उस सोच में जो बदलाव आया है, क्या उसके अनुसार हम डिलीवर कर पाए हैं? उस सोच में जो बदलाव आया है, क्या हमारे पेशेंट्स उसके हिसाब से मैच्योर हुए हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी खुद के सोच में बहुत बदलाव आया है। पहले 2007 में अगर बात करें तो हम ये सोचते थे कि बेरियाट्रिक सर्जरी हमने कर दी और काम ख़त्म, पेशेंट दुबला तो हो ही जाएगा। 5 साल लगे मुझे ये बात समझने में कि वो दुबला हो जाएगा, पर उसको दुबला रखना भी अपने आप में एक महाभारत है। और उसके लिए हमने एक सस्टेनेंट फॉलोअप प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंदर कुछ भी फी लिए बगैर इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, लाइफ लॉन्ग समझ कि कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए। ये जस्ट लाइक कैंसर है कि अगर कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, तो आप लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करते हैं डॉक्टर के पास ये जानने के लिए कि ये दोबारा तो नहीं हो रहा। मृत्यु का भय है वहाँ पे। यहाँ मृत्यु का तो भय नहीं है, पर ये भय मुझे सताता है कि ये रोग अगर वापस आएगा तो अगला स्टेप क्या। तो जब ये पूरा प्रोसेस का इवोल्यूशन हो रहा है और हो रहा था, उस दौरान मैंने देखा कि पेशेंट की सोच भी बदली। काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने इसका ऑपरेशन शुरू किया, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ने सर्विसेज को ऑफर करना शुरू किया, और पेशेंट की सोच ऐसे हुई कि चलो कोई बात नहीं, मोटापा है, ऑपरेशन करा लेंगे, पतले हो जाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। पर सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेशन कि आपका कितना ज़्यादा मोटापा है, जितना ज़्यादा होगा वेट लॉस होगा, बहुत अच्छा होगा, पर जो गोल होता है, जैसे अगर आपका 100 किलो ज़्यादा है तो 100 किलो लॉस करना है, वो गोल है। 80 किलो ज़्यादा है, 80 किलो लॉस करना है, वो गोल है। तो 30 किलो अगर ज़्यादा है, 30 किलो लॉस करना है, तो वो गोल को अचीव करना सर्जरी के द्वारा इजी है। पर 100 किलो ज़्यादा है और 100 किलो को लॉस करना है, तो वो सिर्फ सर्जरी के द्वारा उसमें बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। आप 60-70-80 किलो तक लॉस कर सकते हो, पर 20 से 30 किलो के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। ये एक पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट ये हुआ कि चलो हो गया, उसके बाद उसको मेंटेन करने की भी एक बात होती है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि अभी भी हमारी मैच्योरिटी नहीं आई है। अभी भी हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सर्जरी करके वेट लॉस करना ज़रूरी था। तो इन सब के ऊपर हमने एक सपोर्ट ग्रुप का प्रोग्राम आज किया, 63rd सपोर्ट ग्रुप, जिसके अंदर बेसिकली मेरा एड्रेस इसी बात पे था कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद रियलिस्टिक गोल्स क्या पेशेंट के होने चाहिए, उस रियलिस्टिक गोल को समझना, और बियॉन्ड, जैसे कहते हैं ना कि बियॉन्ड आप देखते हैं, आप भविष्य में देखते हैं, तो बियॉन्ड उसके देख के उस रियलिस्टिक गोल को अचीव करने के बाद उसको संभालना और जिंदगी भर स्वस्थ रहना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सर्जरी डायबिटीज़ भी आपकी ठीक करती है, और जब डायबिटीज़ ठीक होती है तो लापरवाह हम हो जाएं, इस बात से मैं थोड़ा सहमत कम हूँ। लापरवाही हम नहीं बरत सकते, हमको उतना ही ध्यान रखना है। और रियलिस्टिक गोल आपका कुछ और हो सकता है। पेशेंट ये सोचता है कि चलो मेरी डायबिटीज़ चली गई, 5 साल हो गए, शुगर नॉर्मल है, लेकिन उसको 10 साल भी नॉर्मल रखना है, 15 साल भी नॉर्मल रखना है, 20 साल भी नॉर्मल रखना है, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक नॉर्मल रखना है। उसके लिए उसकी रेगुलर टेस्टिंग, कुछ नियमों का पालन, अपने डॉक्टर के साथ क्रमशः सलाह, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
सो बेसिकली आज ये पूरा का पूरा टॉपिक को हमने एड्रेस किया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि रियलिस्टिक गोल क्या होता है और जब वो अचीव हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। धन्यवाद।